ठीक है मिस्टर, थिन शीट और ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ थिकनेस इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेयरिंग बीम्स. द सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट्स टू अ पॉइंट ऑक्यूपाइड बाय द सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज इफ लैम्डा इज इक्वल टू इतना. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द शीट. देखिए सर, बार बार डिस्कस कर चुके हैं. किस्सा क्या है सर? किस्सा ये है कि जब आप ये सोर्स S1 लिया, ये सोर्स S2 लिया, ये आपका क्लासिक YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये आपने सामने स्क्रीन ली, तो अगर अगर जो मटेरियल है वैक्यूम है तो आपकी जो सेंट्रल ब्राइटनेस है वो बन जाती है यहां पर. यहां ये आपकी सेंट्रल ब्राइटनेस, यहां पर आपकी फर्स्ट ब्राइटनेस, यहां आपकी सेकंड, यहां थर्ड, यहां फोर्थ, यहां फिफ्थ, यहां सिक्स्थ. सर यहां तक कोई डाउट मिस्टर जॉन? नो डाउट. ओके, अब होता क्या है सर? होता यह है कि जब आप बीच में ग्लास लैब लगा देते हैं, यहां पर आपने ग्लास लैब लगा दी, तो जो ये सेंट्रल ब्राइटनेस यहां जो बन रही थी, अब सर वो शिफ्ट हो जाती है ये यहां पर. सर नहीं समझ में आया? जी सर. ये ग्लास लैब यहां पर है, तो जो यहां जो बनने, जो सेंट्रल ब्राइटनेस यहां बननी थी, वो सेंट्रल ब्राइटनेस यहां चली जाती है जहां विदाउट ग्लास लैब यहां पर सिक्स्थ ब्राइटनेस. सर मेरी बात नहीं समझ आ रही बिल्कुल. तो अगर आप बात आपके पकड़ में आ रही है तो आपके आपको दो फॉर्मूले चाहिए होंगे. कौन से फॉर्मूले चाहिए होंगे ध्यान से समझिए. एक फॉर्मूला तो चाहिए होगा कि सिक्स्थ ब्राइटनेस विदाउट ग्लास लैब का फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था, और दूसरा फॉर्मूला चाहिए होगा कि जब आपने ग्लास लैब बीच में इंट्रोड्यूस की, जब आपने ग्लास लैब इंट्रोड्यूस की, तो ग्लास लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद सेंट्रल ब्राइटनेस कहां जाती है, उसके शिफ्ट का फॉर्मूला चाहिए होगा. सर मेरी बात नहीं समझ आई? देखिए सर, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमने लास्ट टाइम डेरिवेशन की, वो डेरिवेशन में हमने शिफ्ट का पूरा हमने ताम झाम किया, और डेरिवेशन करने के बाद ये एक फॉर्मूला था जो हमने डिराइव कर लिया. अब मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि सर गोली मारिए, अगर आपको डेरिवेशन नहीं भी समझ आई, ये वाला जो शिफ्ट का फॉर्मूला है इसको रट लीजिए. नहीं समझ में आया सर? तो बेसिकली अब ये जो शिफ्ट है ये किसके इक्विवेलेंट होगा? ये इक्विवेलेंट होगा सिक्स्थ ब्राइटनेस विदाउट ग्लास लैब. सर नहीं समझ में आ रहा? थिकनेस आपकी ये है, लैम्डा आपके पास ये है, जो विदाउट ग्लास लैब जो फॉर्मूला आपके पास है वो ब्राइटनेस का जो फॉर्मूला है वो दिया जाता है एक्स एन इज इक्वल टू एन डी लैम्डा बाय डी. मेरी बात नहीं समझ आई सर? ये इसका इंटरफेरेंस, प्लेन वनीला इंटरफेरेंस विदाउट एनी ग्लास लैब का फॉर्मूला है जो हमने सबसे पहले लेक्चर में किया कि ये सोर्स S1, ये सोर्स S2, यहाँ इंटरफेरेंस हो रही है, यहाँ पर सेंट्रल ब्राइटनेस होता है, और ऊपर यूं आप जाना शुरू करो तो आपको अलग अलग ब्राइटनेस नजर आ जाती है. ये प्लेन वनीला इंटरफेरेंस का फॉर्मूला ये वाला एन डी लैम्डा बाई टी. सर बात नहीं समझ आए? और क्योंकि ये सिक्स्थ ब्राइटनेस है तो इसलिए ये आ जाएगा 6D λ/d, where the symbols carry their usual meaning. Usual meaning मतलब d जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन है, जो d है वो स्लिट विड्थ है, जो लैम्डा है वो वेव लेंथ है. सर नहीं समझ में आ रहा? और आपने क्या किया, जो आपके पास दूसरा फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा था कि अगर डेरिवेशन में नहीं भी समझ आया तो ये तो अपना प्लेन वनीला इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मूला हो गया, ये सिक्स्थ ब्राइटनेस के लिए ये फॉर्मूला हो गया, और
सेंट्रल ब्राइटनेस जब क्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी जाती है तो जो शिफ्ट का फॉर्मूला है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था वो है ये। सर नहीं समझ में आया? तो आपको बेसिकली सिर्फ ये करना है कि इन दो फॉर्मूलास को, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला जो दो फॉर्मूले हैं, इनको अपने आमने सामने रख देना। ठीक समझ में आया सर? सर ये ना फ्रॉम अ कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू आपके इसके फंडे क्लियर होने चाहिए। वैसे तो आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल है लेकिन वो एग्जाम्पल पता नहीं टेढ़ा मेढ़ा था उसने बनाया। जब इसके आमने सामने आप रखेंगे तो डी 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 कैंसिल हो गया तो फाइनली आपके पास जो नंबर जो बचे, जो फॉर्मूला बचा, वो बचा 6 lambda = μ - 1 t। सर नहीं समझ में आया? अच्छा यहां तक जब आप पहुंच गए तो इसमें तो अब आपको सिर्फ निकालना क्या था, थिकनेस आपको दी हुई है। जो थिकनेस है वो आपको दी हुई है कितनी, 7.2 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, और आपको दिया हुआ है लैम्डा, लैम्डा दिया हुआ है 6 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो लैम्डा की वैल्यू डाल दोगे, टी की वैल्यू डाल दोगे तो म्यू की वैल्यू निकल आएगी। मेरी बात नहीं समझ आ रही सर? तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका हंसते खेलते आपका जो म्यू है वो 1.5 के बराबर आ जाएगा। नहीं समझ में आया सर? कोई डाउट तो नहीं सर? नो डाउट। इसी का एक भाई है, मतलब अगर आपको ये समझ आ गया होगा, इसी का एक भाई प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है कि एक दूसरे के सामने ऐसे ही रख देना, बिल्कुल सामने रख देना, ट्राई जरूर करना। इसका जो भाई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसका जो भाई है वो है ये, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑन इंसर्टिंग अ थिन बीम इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग इट इज फाउंड दैट द सेंट्रल फ्रिंज shifts its position previously occupied by the sixth bright fringe. Meri baat samajh aayi sir? It to waisa hi question hai. If the wavelength of the light used is 6 × 10⁻⁵ cm and the refractive index, is case mein refractive index diya hua hai, aapko thickness nikalni hai. Aap thickness nikalenge, bilkul main aapko bol raha hu ki usi ka bhai hai. Iski jo thickness hai wo pehle wale ki jo thickness hai uske barabar hi hai, 7.2 नहीं डिफरेंस है, 7.2 × 10⁻⁶ नहीं सेम ही है, ये मीटर में है। इसका जो आंसर है वो ये आना चाहिए। हाँ सेम ही है। क्या डाउट है? नो डाउट। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी आपने बिल्कुल वैसे ही करना है, ऐसे ही करना, ऐसे ही करना। ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा ऐसे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें उसने सिर्फ ये कर दिया, वो बेसिकली आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराना चाहता है। इस केस में उसने आपको दे दिया म्यू 1.5 - 1 और आपको दे दिया लैम्डा, लैम्डा कितना है, लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6 × 10⁻⁵ और आपसे क्या पूछ रहा है, थिकनेस टी। सर मेरी बात समझ आए? ओके okay. इसी का एक भाई और है, वो भी देख लीजिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अ ग्लास प्लेट ऑफ 1.2 × 10⁻⁶ थिकनेस इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग बीम्स एंड बाय प्रिज्म फ्राना डिमगाना वेवलेंथ इतनी है, इफ द सेंट्रल बैंड शिफ्ट बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू द विड्थ ऑफ द बैंड्स फाइंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। सर सेम से क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको ये करना होता है कि दो फॉर्मूले जो हैं वो दो फॉर्मूले आपको आमने सामने रखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन करना कैसे है, लेक्चर के बाद प्रैक्टिस करना है आपको। देखिए सर, विड्थ ऑफ द बैंड जो है वो दिया जाता है इस फॉर्मूले से। नहीं समझ आया सर? अब जो शिफ्ट है
कितना शिफ्ट हुआ, शिफ्ट हुआ विड्थ के इक्वल। कैसे पता चला? क्योंकि उसने यहां पर लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अ ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड इन द पाथ यूजिंग इतना लैम्डा, ये लैम्डा दिया हुआ, इफ द सेंट्रल बैंड शिफ्ट बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू द विड्थ ऑफ द बैंड्स, तो कितना शिफ्ट कर रहा है वो, शिफ्ट कितना कर रहा है, जितना विड्थ ऑफ द बैंड्स है, विड्थ ऑफ बैंड्स है। तो बेसिकली वो आपसे ये चाहता है कि शिफ्ट का फॉर्मूला आपको आपको पता होना चाहिए और विड्थ ऑफ बैंड्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नहीं समझ आ रहा था? बिल्कुल समझा सर। तो इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे, इन दोनों को आमने सामने रखेंगे, तो आपका जो फॉर्मूला है वो बनेगा ऐसे। ये देखिए विड्थ, ये शिफ्ट है, फिर से वही डी डी कट गया, फॉर्मूला बन गया ये, इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे, इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे, तो यूं हंसते खेलते म्यू इज इक्वल टू 1.5 आपके सामने आ जाएगा। सर मेरी बात नहीं समझ आई? बट सर देखिए ये सब ज्ञान गणित आपको समझ कब आएगा, आप ये भी सारा समझने की कोशिश कीजिए। ये ज्ञान गणित आपको तब समझ आएगा, सबसे पहले तो आपको हमारा जो बेसिक YDSE का जो ट्रीटमेंट है वो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि यार YDSE कैसे काम करता है, विदाउट स्लैब कैसे काम करता है। तो पहले तो आपको फर्स्ट स्टेप पे तो ये क्लियर होना चाहिए, जब आपको ये क्लियर होगा उसके बाद फिर आपको ये ऑप्टिकल पाथ का जो फंडा है वो क्लियर होना चाहिए, फिर ऑप्टिकल पाथ का जब फंडा क्लियर होगा फिर आपको समझ आना चाहिए कि हाँ सर अगर बीच में थिकनेस लगा दी जाए तो शिफ्ट कितना होता है और क्यों होता है। नहीं समझ आया सर? वो जो सेंट्रल ब्राइटनेस जो शिफ्ट होती है उसका जो फॉर्मूला है वो डिराइव करके निकलता है ये। समझ आया सर? तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे हमने दो न्यूमेरिकल्स किए तो पहले न्यूमेरिकल में उसने बोला कि यार जो शिफ्ट है दैट इज इक्वल टू द सिक्स्थ ब्राइटनेस, तो हमें ब्राइटनेस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। दूसरा जो उसने फॉर्मूला बनाया वो उसने बनाया कि जो शिफ्ट है दैट इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द फ्रिंज। अब मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका ये फंडा ही क्लियर नहीं है कि यार ये ब्राइटनेस का फॉर्मूला क्या होता है या विड्थ ऑफ द फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर यही फंडे क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नहीं समझ आया सर? और ऑफकोर्स ये नहीं कर पाओगे, ये सब फंडे नहीं क्लियर, यही साइड के आपके फंडे क्लियर नहीं होंगे, इंटरफेरेंस इजी है, डिफ्रैक्शन फिर से थोड़ा सा और स्लिपरी है, तो अगर इंटरफेरेंस नहीं कर पाओगे तो डिफ्रैक्शन भी नहीं कर पाओगे। सर बात नहीं समझ आ रही?